खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब जो खबर है वो सीधे आग से जुड़ी हुई खबर है। जापान में अगर कुछ सेकंड के लिए भी ट्रेन लेट होती है तो कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, बकायदा वहां के रेल मंत्रालय को आकर माफी मांगनी पड़ती है। हिंदुस्तान में क्या होता है, ट्रेन घंटों घंटों लेट होती है और हमें इसकी आदत होती है, लेकिन शायद अब इस आदत को रेल मंत्रालय बदलना चाहता है और इसीलिए अगर ट्रेन लेट होती है तो 100 से 250 रुपए यात्रियों को वापस किए जाएंगे। और ये शुरुआत तेजस से हो रही है जहां पर सुविधाएं भी विमान के जैसी हैं। अब तक स्वदेशी तेजस के करतब देखकर हैरान होते थे, अब जानदार और शानदार फीचर्स वाले तेजस से भी। तेजस को आज लखनऊ में सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। तेजस एक्सप्रेस का लुक ऐसा है कि दूर से भी अगर आप इस ट्रेन को देखते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये पहली प्राइवेट ट्रेन है या कॉर्पोरेट ट्रेन कह सकते हैं जिसके फीचर्स हैं। और आज जो पहला दिन की शुरुआत है, पहले दिन की शुरुआत में आप देखें कि जिस तरह से फ्लाइट्स में एयर हॉस्टेसेस होती हैं उस तरीके से यहाँ पर ट्रेन हॉस्टेसेस लगाए गए हैं जो यात्रियों का स्वागत करेंगे। तो इस तरह से जो अटेंडेंट्स हैं वो फीमेल अटेंडेंट्स हैं जो कि एयर हॉस्टेस की तरह से लोगों का स्वागत करेंगे। तेजस देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है क्योंकि इसे चलाने की जिम्मेदारी IRCTC की है। इसके बदले IRCTC हर दिन भारतीय रेलवे को 12 लाख रुपए देगी। तेजस के यात्रियों को खास सुविधाएं दी गई हैं। ट्रेन के एक घंटा लेट होने पर IRCTC यात्री को 100 रुपए लौटाएगा, 2 घंटे से ज्यादा देरी पर बतौर जुर्माना 250 रुपए रिफंड किए जाएंगे। IRCTC ने दावा किया है कि 1 घंटे की देरी पर 100 रुपए और 2 घंटे की देरी पर 250 रुपए दिए जाएंगे। और अगर फीचर्स की बात करें तो आप देखिए कि ये जो ट्रेन है जिस पर मैं सवार हूँ इस वक्त, ये ट्रेन चल चुकी है लखनऊ से दिल्ली के लिए और इसकी सीट्स देखिए, बेहद लेदर की सीट दी गई है, बेहद आरामदायक दिख रही है। और सबसे एक फीचर खिड़की की दिखाऊँ कि नॉर्मली जो है पर्दे बाहर होते हैं, इसके पर्दे अंदर हैं और यहाँ एक फीचर है जिसमें अगर आप ये बटन दबाते हैं देर तक तो ये जो पर्दे हैं देखिए किस तरीके से नीचे आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिक पर्दों का ऑप्शन है जिसको ऊपर और नीचे किया जा सकता है और साथ ही मोबाइल सॉकेट वगैरह दिए गए हैं। फ्लाइट की तरह से सीट के ठीक ऊपर लाइट्स लगाई गई हैं, यानी कि अगर आपको पढ़ना हो तो आप बटन दबाकर लाइट ऑन कर सकते हैं और फिर ऑफ कर सकते हैं। भारत में ट्रेन की लेट लतीफी आदत हो गई है, इसलिए यात्रियों में भरोसा लाने के लिए IRCTC ने ये रिफंड योजना शुरू की है। तो सवाल यह है कि ट्रेन लेट होने पर रिफंड कैसे मिलेगा, क्या यात्रियों को रिफंड का क्लेम करना पड़ेगा? जवाब यह है कि यात्रियों को रिफंड के लिए कुछ नहीं करना होगा। तेजस के टिकट सिर्फ ऑनलाइन बुक होंगी, इसलिए जिस खाते से टिकट का पैसा कटेगा रिफंड वही होगा। समय के अनुरूप एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी और वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच में शारदीय नवरात्र के इस अवसर पर आज शुभारंभ हो रही है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। तेजस के यात्रियों का 25 लाख का बीमा होगा और यात्रा के दौरान अगर आपके घर में चोरी हो गई तो उसमें भी यात्रियों को IRCTC भुगतान करेगा। इंफोटेनमेंट का इसमें अरेंजमेंट है, आदमी अपने डिवाइस पर, अपने लैपटॉप या टैबलेट या फोन पर एंटरटेनमेंट का आनंद ले सकता है। अगर वो नहीं है तो आगे हमने वो व्यवस्था भी करी है कि 50 रुपए के किराए पर उसको एक टैबलेट दिया जाएगा ईयरफोन के साथ। ईयरफोन उनका पर्सनल होगा, वो ले जा सकते हैं, टैबलेट वापस कर देंगे। तेजस में ह्यूमन ATM की सुविधा भी मिलेगी। इसमें पैसे डेबिट हो जाएंगे कार्ड से और आप मुझे कैश देंगे, हम आपको पैसे। मिनिमम लिमिट हमने 100 रुपीज रखी है, मैक्सिमम 2000 रुपीज है। तो इसके बाद कोई ATM मशीन वगैरह भी इंस्टॉल करने का प्लान है क्या? ह्यूमन ATM की बात है। जी जी। IRCTC की नई पहल लोगों को बेहद भा रही है। अनुभव बहुत अच्छा है, सुविधाएं उपलब्ध हैं, अब ये सुविधाएं बरकरार रहें तो ये हमारी कामना है। ट्रेन देख के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा ये बनाया इन्हीं ने, पूरी ट्रेन को बनाया, इसका मज़ा आया मुझे यहाँ बैठ के, ये सब अच्छा लगा। योगी जी आज देर से आए, आधा घंटा भाषण देते रहे, ट्रेन आधा घंटा लेट करा दी,
ये अभी तक का तो यही अनुभव है, बाकी ट्रेन में सब बहुत अच्छी साफ सुथरी है। दिल्ली से लखनऊ की दूरी शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 9 घंटे में तय करती थी, लेकिन तेजस ये दूरी 6 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। ट्रेन लखनऊ से सुबह 6:10 पर चलेगी, दोपहर 12:25 पर दिल्ली पहुंचेगी, वापसी में दिल्ली से 3:35 पर रवाना होगी और रात 10:05 पर लखनऊ पहुंचेगी। तेजस के सिर्फ 2 स्टॉपेज कानपुर और गाजियाबाद होंगे। यात्रा से 4 घंटे पहले वेटिंग टिकट रद्द कराने पर सिर्फ ₹25 शुल्क लिया जाएगा। भारतीय रेलवे इसके लिए ₹65 लेती है। दिल्ली से लखनऊ एसी चेयर कार टिकट ₹1280 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की टिकट ₹2450 में मिलेगी। मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन दिल्ली लखनऊ रूट पर यह ट्रेन चलेगी। तेजस में दूसरे ट्रेनों की तरह तत्काल या प्रीमियम तत्काल कोटा नहीं होगा। कृपया ध्यान दीजिए, तेजस सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं।